लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में बैठकों और सम्मेलनों का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा ये प्रदेश लंबे समय से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में एक ही पैटर्न पर वोट करता रहा है। देखा गया है कि लोकसभा में जीत हासिल करने वाली पार्टियों को विधानसभा में भी जनता का भरपूर समर्थन मिलता है, लेकिन इस बार जो नतीजे आए हैं वो एक अलग तस्वीर बयां कर रही है। केंद्र में भले तीसरी बार बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनी हो, लेकिन हरियाणा में दोनों को बराबर यानी 5-5 सीटें मिली हैं। वोट प्रतिशत के मामले में भी दोनों पार्टियों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। 2019 के परिणाम से इसकी तुलना करके देखें तो कांग्रेस जबरदस्त वापसी करते हुए प्रदेश में अपनी खोई सियासी जमीन को हासिल करती दिख रही है। साथ ही आगामी 3 माह में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी के लिए ये एक सुखद संकेत है। नतीजों पर गौर करें तो बराबर सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस फायदे में नजर आ रही है। तो चलिए एक नज़र हरियाणा में आए लोकसभा चुनाव के परिणाम पर डालते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 46.11% वोट मिला है। सत्तारूढ़ दल ने कुल 90 विधानसभा सीटों में से 44 पर बढ़त बनाई। वहीं कांग्रेस ने 43.67% वोट लेकर 42 सीटों पर बढ़त बनाई थी। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में इंडिया गठबंधन के बैनर तले आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। आपके हिस्से कुरुक्षेत्र की सीट आई थी, ऐसे में आपको मिले 3.97% वोट और 4 विधानसभा सीटों में मिली लीड को जोड़ दें तो कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की जबरदस्त वापसी। हरियाणा के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इस बार लोकसभा ने सिरसा और रोहतक में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 18 सीटें जीती हैं। वहीं बीजेपी महज करनाल की सभी 9 सीटें ही जीत पाई, जबकि पिछली बार भाजपा ने करनाल, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, अम्बाला और कुरुक्षेत्र की सभी 54 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई मनोवैज्ञानिक बढ़त। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को बेहद करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और कैप्टन अजय यादव सरीखे दिग्गज अपनी सीट तक नहीं बचा पाए थे। इनमें दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ दें तो अन्य सभी नेताओं को बहुत बड़े बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को तब 89 विधानसभा सीटों में लीड मिली थी, वहीं कांग्रेस को 10 और जेजेपी को 1 हल्के में लीड मिली थी। इसी परिणाम से उत्साहित होकर बीजेपी ने 3 माह बाद विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दे डाला था। 2024 के परिणाम 2019 से काफी अलग नजर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी के बजाय कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इनमें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और सिरसा से कुमारी शैलजा शामिल हैं। पिछली बार करनाल से बीजेपी के संजय भाटिया 6.52 लाख वोट और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर ने 6.38 लाख वोटों से जीत हासिल कर देश भर में चर्चा का विषय बने थे, लेकिन इस बार भाजपा प्रत्याशियों के पसीने छूटते नजर आए। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और कृष्णपाल गुर्जर को छोड़ दें तो बाकी तीनों भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर 1 लाख से नीचे रहा। कांग्रेस आलाकमान हरियाणा कांग्रेस के इस शानदार प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहा है। बुधवार को दिल्ली में हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं को शाबाशी दी और विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने को कहा। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में मिले झटके के बाद से चिंतन मनन के दौर से गुजर रही है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं। यहां वो पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान खिसकते जनाधार को बचाने पर मंथन होगा, साथ ही खराब प्रदर्शन को लेकर जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।